बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म शमशेरा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर कपूर भी एक बार फिर से करीब 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। लेकिन कैसा रहा इस फिल्म का प्रदर्शन और लोगों को आखिर ये फिल्म कितनी पसंद आई, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पाठक और आप देख रहे हैं फ्राइडे हाउसफुल। तो फ्रेंड्स, जिस फिल्म का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था वो फिल्म शमशेरा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के साथ एक बार फिर से रणवीर कपूर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। शमशेरा में रणवीर कपूर डबल भूमिका में हैं, बाप और बेटे दोनों का ही किरदार रणवीर कपूर निभा रहे हैं। इस फिल्म में संजय दत्त भी बेहद दमदार नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं। जो रिव्यू सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इस फिल्म में संजू के बाद एक बार फिर से रणवीर कपूर ने बहुत ही दमदार एक्टिंग की है। साथ ही साथ वाणी कपूर ने भी लोगों को सरप्राइज किया है। हालांकि वाणी कपूर से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग भी कर सकती हैं, लेकिन जब लोगों ने पर्दे पर वाणी को देखा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दर्शकों को एक सरप्राइज जरूर मिला है। और अगर बात करें संजय दत्त की, तो हमेशा की तरह इस बार भी संजय दत्त अपने कैरेक्टर को 4 चांद लगाते नजर आ रहे हैं। अग्निपथ और KGF 2 के बाद संजय दत्त एक बार फिर से नेगेटिव किरदार में हो रहे। इस बार भी संजय दत्त ने अपने कैरेक्टर और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी है। हालांकि ट्रेड पंडितों के मुताबिक जो शानदार ओपनिंग शमशेरा को मिलनी चाहिए थी और जिस कदर का एक्साइटमेंट दर्शकों में था वो बॉक्स ऑफिस पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। शमशेरा को बेहद कमजोर ओपनिंग मिली है। ट्रेड पंडितों का यह मानना है कि सैटरडे और संडे का जो वीकेंड है उसमें जरूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। कुल मिलाकर जो उम्मीद इस फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद थी और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी उन उम्मीदों पर यह फिल्म खरी उतरती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म बॉलीवुड के सूखे को खत्म करे और भूलभुलैया 2 के बाद बॉलीवुड को इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।